दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। देसी गुड़ कैसे बनता है? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितने आराम से गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों ने गन्ने से चीनी बनते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन गन्ने से गुड़ कैसे बनता है शायद नहीं मालूम होगा ना, लेकिन आज की वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैगीरी यानी कि गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गन्ने से गुड़ को कैसे बनाकर तैयार किया जाता है? अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको गुड़ बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं। इसलिए दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक चिपक के बैठना, क्योंकि पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले नए दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर हम गुड़ बनाने की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस आता है खेतों से गन्ने को निकालकर गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लाना, क्योंकि यहीं पर सारी मशीनें होती हैं जहां से काम शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले खेतों से गन्नों को निकाल दिया जाता है और इनकी काफी भारी क्वांटिटी हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काम गन्नों से मशीन के द्वारा जूस निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गन्ने के जूस निकलते हैं और उसके लिए काफी बड़ी मशीन इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर वर्कर्स गन्ने को मशीन के अंदर डाल रहे हैं और फिर इस मशीन के दबाव के कारण गन्ने का रस निकलकर सफेद टैंक में स्टोर होता जा रहा है। दोस्तों जैसे ही टैंक के अंदर गन्ने का रस आता है, वैसे ही इसे पाइप के माध्यम से बड़ी बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जहाँ पहली कढ़ाई में जब रस डाला जाता है तो यहाँ पर ये थोड़ा गर्म होता है और फिर गन्ने के इस रस को और ज्यादा गर्म करने के लिए दूसरी कढ़ाई में भेजा जाता है। वहां पर इसे और गर्म किया जाता है, जिसके बाद लोग लगातार गन्ने के रस को दूसरी से तीसरी कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं और फिर तीसरी कढ़ाई में ये सबसे गर्म कढ़ाई यानी कि चौथी कढ़ाई में ट्रांसफर होता है और यही गन्ने को गुड़ बनाने में सबसे कारगर प्रोसेस होता है, जिसमें रस को बार बार अलग अलग फ्रेम में गर्म करके आगे की तरफ भेजा जाता है। और जब गन्ने का रस चौथी कढ़ाई में पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी पूरी सफाई हो जाती है, यानी कि आपको गन्ने के रस में कोई भी और शुद्धता देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी गर्म होने की वजह से उसमें मौजूद सभी इम्प्योरिटीज मर चुकी होती हैं। हालांकि गन्ने से गुड़ को तैयार करने के लिए केवल गर्म करके उसकी सफाई नहीं होती, बल्कि जो शुरुआत में तीन कढ़ाई होती है उसमें शुक्लाई का पौधा डाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शख्स यहाँ पर पौधे की कटाई छटाई कर रहा है। इसके बाद इन सभी पौधों को पानी में डाल दिया जाएगा और फिर इनसे जो रस निकलेगा उसे गन्ने के रस में मिलाकर उसके अंदर से अशुद्धि निकाली जाती है। आप इस प्रोसेस को होते हुए देख सकते हैं कि किस तरह इस पौधे को जिस पानी में भिगोया गया है उसी पानी को गन्ने के रस में डाला जा रहा है, जिसके बाद गन्ने के रस में झाग बन जाता है और उसकी शुद्धता झाग के साथ ही ऊपर आ जाती है। दोस्तों ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक यानी कि देसी तरीका है गन्ने की रस की सफाई करने का, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल तरीके के बारे में बताएं तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड करके केमिकल होता है उसे रस में डाल देते हैं तो रस की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं रहता। यही कारण है कि जहां कहीं भी देसी गुड़ बनकर तैयार होता है वहां पर शुक्लाई के पौधे से इसकी सफाई होती है। और हम आपको ये भी बता दें कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले जो केमिकल है उसके मुकाबले ये महंगा भी पड़ता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसी वजह से आपको देसी गुड़ भी महंगे ही थोड़े मिलते हैं। दोस्तों सफाई होने के बाद जब फाइनल वाली कढ़ाई में गन्ने का रस पहुंचता है तो ये थोड़ा थोड़ा गुड़ के रूप में होना शुरू हो जाता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता चला जाता है और जैसे ही गन्ने का रस तीसरी कढ़ाई में आता है वहां ये सबसे ज्यादा प्योरिफायर होता है और यहीं पर आपको बिल्कुल शुद्ध करने का जूस मिलता है जो गुड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद जब रस एकदम फाइनल यानी कि चौथी कढ़ाई में जाता है वहां पर कर्मचारी उसे गाढ़ा करके एक दूसरे बड़े बर्तन में डालते रहते हैं ताकि ये जो रस है ये जले ना और जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, और जब ये हल्का ठंडा हो जाता है तो बाकी के कर्मचारी इसे किसी बर्तन वगैरह से निकाल कर अलग अलग आकार देना शुरू कर देते हैं।
और फिर किस तरह ऑर्गेनिक गुड़ बनकर तैयार हो जाता है वो आप देख ही सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम फैक्ट्री वाले तरीके से बताएं, यानी कि इन ऑर्गेनिक तरीके से जो केमिकल गन्ने के रस को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस थोड़े से केमिकल में काफी भारी मात्रा में रस शुद्ध हो जाता है और एक ही प्रोसेस के बाद गन्ने के रस को गाढ़ा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी केवल वो केमिकल डालने की देर होती है। उसके बाद जैसे ही सारी अशुद्धता गन्ने से निकल जाती है, वैसे ही उसे गुड़ का रूप देना भी शुरू कर दिया जाता है, जबकि देसी तरीके में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह फैक्ट्रियों में बिल्कुल शुद्ध देसी गुड़ बनकर तैयार होता है। बाकी अगर हम इंडस्ट्रियल तरीके की बात करें तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो कि इसे बनाने वाले लोगों के लिए सस्ता भी पड़ता है और कम मेहनत वाला होता है। लेकिन जो लोग देसी तरीका इस्तेमाल करके गुड़ बनाते हैं, उन्हें भले ही इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन गुड़ की शुद्धता बनी रहती है और आप जब उसे खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वरना केमिकल वाली चीजें तो कितना ज्यादा नुकसान करती है ये हम सब जानते हैं। बाकी दोस्तों क्या आप अभी भी केमिकल बेस्ड गुड़ खाना पसंद करेंगे या फिर इस तरह के देसी गुड़ का स्वाद चखना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हाँ, अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दीवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मौजूद हैं। तो जाइए और जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।